आज बनाएंगे हम पालक पनीर। अब आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पालक पनीर की रेसिपी भी मैं शेयर करूं, तो ये लीजिए हाजिर है पालक पनीर की रेसिपी। शुरू करते हैं। सबसे पहले उबलते हुए पानी में हम डालेंगे पालक के पत्ते। यहाँ मैंने 300 ग्राम ये पालक के पत्ते लिए हैं जो कि पानी से पहले वॉश कर लिए थे, और गर्म गर्म उबलते हुए पानी में मैंने डाल दिया है इन्हें, और इन्हें ब्लांच करेंगे 1 या 1.5 मिनट के लिए। तो सिर्फ 1 या 1.5 मिनट इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस ये देखिए, ये हमारे तैयार हो गए। ठंडे ठंडे पानी में हम इन्हें निकाल लेते हैं। पानी में मैंने बर्फ़ के टुकड़े डाल के रखे हुए हैं, यानी कि आइस क्यूब, ताकि पानी ठंडा हो जाए। और ये पालक के पत्ते हमने बर्फ़ वाले पानी में निकाल लिए हैं। इससे क्या होगा, कुकिंग प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। और ये ठंडे हो गए हैं, इसे हम क्या करते हैं, स्क्वीज़ कर लेते हैं अपने पालक को इस तरीके से। इससे क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, और फिर हम इसे पीस कर तैयार करेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। आवश्यकता पड़े तो आप हल्का फुल्का पानी डाल सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की। आप चाहो तो इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल सकते हो पीसने के लिए। और अब क्या करते हैं, गैस पर एक पैन रख देते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। ये पैन है 25 सेंटीमीटर का, और ये 100% आयरन से बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार पहले पानी से वॉश करना है, तब इसे यूज में लेना है। इसके साथ ही ये अकेला प्रोडक्ट नहीं आया है, इसके साथ 2 प्रोडक्ट और आए हैं। एक तो हमारा तवा आया है जो कि है 24.5 सेंटीमीटर का, ये भी 100% आयरन से बना हुआ है, और यूज करने से पहले पानी से जरूर वॉश करना। और इसके साथ ही हमारे पास एक कढ़ाई आई है, ये कढ़ाई ये भी 100% आयरन है, कम्प्लीटली आयरन से बनी हुई है, 2 लीटर कैपेसिटी की है। रोजमर्रा जो आप कुकिंग वगैरह करते हैं वो आप आराम से इसमें कर सकते हैं। ये आयरन कुकवेयर अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कॉल करके परचेज कर सकते हैं। गैस ऑन कर देते हैं और अपना पैन रख देते हैं, और इस पैन में मैं डाल रहा हूँ रिफाइंड तेल, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। वैसे 2 टेबल स्पून रिफाइंड काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत डालना। आप चाहो तो इसकी जगह पर देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हो। गर्म हो गया है, मैं इसमें 2 साबुत लाल मिर्ची और थोड़ा सा जीरा, लगभग आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। जैसे ही जीरे में से भुनने की खुशबू आएगी, तब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। 2 बड़े बड़े टमाटर, मतलब मीडियम साइज़ के टमाटर, और 2 हरी मिर्ची और आधा इंच अदरक मैंने डाल के पीस लिया था। और आप चाहो तो टमाटर की क्वांटिटी कम कर सकते हो, 1 टमाटर भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं। 3-4 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये मसाले। तो मैंने यहाँ पे सौंफ पाउडर लिया है, साबुत सौंफ को पीस के पाउडर बना लिया है 1.5 छोटा चम्मच। इसी के साथ ही हमने धनिया पाउडर लिया है, ये भी 1.5 चम्मच है, 1.5 छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर आधा छोटा चम्मच। और वैसे तो नहीं डाली जाती हैं, अगर आप डालते हैं तो कम क्वांटिटी में डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि कलर चेंज हो जाता है। ये हमने कसूरी मेथी और नमक लिया है, कसूरी मेथी 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। तो ये ग्रेवी में हम डाल देते हैं अपने मसालों को। इसके साथ ही हम और मसाले अभी और डालेंगे, तो पहले इसे अच्छे से भून लेते हैं 1-2 मिनट तक। भूनने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है मैंने। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अपनी पालक की प्यूरी, जो भी हमने पालक पीस के तैयार किया था। तो 1.5 कटोरी है, ये समझिए, 1 कटोरी तो मैंने डाला था टमाटर का पेस्ट, टमाटर हरी मिर्ची का, और 1.5 कटोरी डाला है मैंने पालक का पेस्ट। जितना टमाटर उससे ज़्यादा आपको पालक लेना है। यहाँ मैंने जायफल लिया है, जायफल को हम लोग हल्का सा ग्रेट करके डाल देते हैं, बस हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जायफल नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। और जायफल को हमने ग्रेट कर लिया है हल्का सा। इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, इसे भून लेते हैं और इसमें गरम मसाला और डाल देते हैं। गरम मसाला लगभग 1/4 छोटा चम्मच डाला है मैंने, थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि घर का बना हुआ है। और गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पनीर ग्रेट करके। तो पनीर की जगह पर आप ना चीज़ डाल सकते हो, प्रोसेस्ड चीज़, या फिर आप डाल सकते हो इसमें मावा, यानी कि खोया भी डाल सकते हो आप। और ये मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया, और आप चीज़ और मावा के साथ पनीर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने मलाई डाल दी है, मलाई की जगह अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी ले सकते हैं, लगभग 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा मैंने मक्खन डाल दिया, लगभग 10-15 ग्राम के आसपास है। और अब हम इसे पका लेते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 1-2 मिनट तक काफ़ी है आप, क्योंकि पहले ही हमने इसे, जो पालक है वो पहले ही हमारा प्री कुकड है। और अब हम इसमें डाल देते हैं अपने पनीर के टुकड़े, क्योंकि ये ग्रेवी तैयार है। तो ये हमारी पालक पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए कलर एकदम परफेक्ट आया है। और ग्रीन कलर चाहिए तो टमाटर की क्वांटिटी आप कम कर दीजिए, मसाले कम ले लीजिए, हल्के मसाले कम कर सकते हो आप। ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है।
थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। तो पहले मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसे हल्के से पनीर से गार्निश कर रहे हैं, पनीर को ग्रेट करके, और थोड़ा सा बीच में हल्का सा मक्खन रख देंगे यानी कि बटर, और हमारी पालक पनीर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।